हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मोहिनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं डुओलिंगो लैंग्वेज एंड आईएलटीएस के बारे में। तो दोनों किस तरह से एग्जाम्स होती है वो सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हम दोनों लैंग्वेज के बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आता है मोड ऑफ एग्जाम। दोनों कोविड के बाद ऑनलाइन हो गई है, बट ड्यूओलिंगो तो ऑनलाइन ही एग्जाम थी। जब आईएलटीएस एग्जाम हुई है वो कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन हो गई है, वो सबसे पहला पॉइंट होता है। और हाँ, आईएलटीएस के अंदर अभी भी ऑफलाइन एग्जाम तो होती है, अगर जिसको जिस तरह से लेना है वो उस तरह से एग्जाम की डेट लेके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होता है ड्यूरेशन। ड्यूओलिंगो एग्जाम में ड्यूरेशन होती है 45 मिनट होती है, और आईएलटीएस की एग्जाम टाइम ड्यूरेशन होता है 164 मिनट। उसके बाद रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। रिजल्ट होता है ड्यूओलिंगो का 48 आवर में आ जाता है, जबकि आईएलटीएस ऑनलाइन आपने दी होती है तो 3 to 5 डे में रिजल्ट आ जाता है, और ऑफलाइन दी हुई होती है तो 13 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्यूओलिंगो में दो सेक्शंस आते हैं, एक एडेप्टिव और एक वीडियो भी आता है, बल्कि आईएलटीएस में 4 सेक्शन आते हैं जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग होता है। और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों के स्कोर के बारे में। तो स्कोर तो ज़्यादातर आपको आई थिंक सो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था कि किस तरह से उनके स्कोर होते हैं, तो वो वीडियो आपको डिटेल में जानना होता है ड्यूओलिंगो के बारे में। तो यहाँ पे आई बटन पे आप चेक कर लेना, पूरा वीडियो की डिटेल यहाँ पे डाली हुई है। और स्कोर होता है ड्यूओलिंगो का 10 to 160 के बीच में, और आईएलटीएस में आप सभी को पता है बैंड सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस आज मैंने आपको बता दिया। दोनों एग्ज़ाम आप ले सकते हो, दोनों एग्ज़ाम में एक एक बार ट्राई भी कर सकते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि आईएलटीएस के बैंड के हिसाब से जो ड्यूओलिंगो टेस्ट आपने दिया है वो स्कोर उसके साथ मैच हो जाता है, तो आप कैनेडा के अंदर काफ़ी सारी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।